नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है फाइनेंशियल सेक्टर से। दरअसल दोस्तों, भारत के क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही फ़ायदा होने वाला है जैसे एक समय पर हम रसिया से कच्चा ऑयल खरीद रहे थे भारी भरकम डिस्काउंट पे। हालांकि अभी भी भारत को डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अब वो डिस्काउंट की मात्रा कम हो गई है। तो रसिया से जैसे हम परचेज़ कर रहे हैं, ऐसे ही अब हम ब्राज़ील से परचेज़ करने वाले हैं कच्चा ऑयल, जिससे कि हमारी जो परचेजिंग है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। जो अभी हमें कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं वो अब कम करने पड़ेंगे। दरअसल आइए समझते हैं दोस्तों पूरी खबर को, कि पूरी खबर आखिर है क्या, ऐसा क्या होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों क्या है कि भारत में तीन बहुत ही बड़ी कंपनी है ऑयल से रिलेटेड। एक इंडियन ऑयल है, एक भारत पेट्रोलियम है, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, यानी कि IOCL, HPCL एंड BPCL। ये तीन बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये तीनों एक साथ मिलकर के ब्राज़ील से बातचीत कर रही हैं, निगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है कि हमें कच्चा ऑयल आपसे परचेज़ करना है ब्राज़ील के साथ, और वो भी सस्ते दामों पे परचेज़ करना है। अच्छा, इसके लिए जो बातचीत स्टार्ट हुई है, ब्राज़ील की एक कंपनी है एनर्जी सेक्टर की पेट्रोब्रास, उसके साथ बातचीत को स्टार्ट किया गया है और वो बहुत बड़ी कंपनी है पेट्रोब्रास। अच्छा, उनको भी दिख रहा है कि इंडिया ऑयल का बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है, यानी कि इंडिया में ऑयल की बहुत बड़ी मार्केट है जिसको ब्राज़ील छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसने बातचीत को स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तीनों लोग अब एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं, यानी कि तीन बड़ी कंपनियाँ एक साथ बात कर रही हैं, जिससे कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलने वाला है। अब दोस्तों बातचीत तो स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील के साथ हमने कभी पहले और कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम यानी कि BPCL, इसने 2022 में ब्राज़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, और जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें उसने परचेज़ भी किया था ऑयल। अच्छा, अब जो डिस्काउंटेड ऑयल पर जो बातचीत कर रही हैं तीनों कंपनियाँ IOCL, BPCL, HPCL, ये तीनों एक लॉन्ग टर्म के लिए एग्रीमेंट करने वाली हैं। जो निगोशिएशन हो रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, ताकि हमको जो डिस्काउंटेड ऑयल मिले वो लंबे समय तक के लिए मिले। अच्छा, ये तो हो गया वो डिस्काउंटेड ऑयल की बात। अब क्या इससे पहले हमने कितना परचेज़ किया हुआ है, तो आपको बता दें कि वैसे तो हम ब्राज़ील के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने उससे 1.46 बिलियन डॉलर की परचेजिंग करी हुई है ऑयल की। लेकिन अगर हम टोटल अपनी बात करें इंपोर्ट की, तो टोटल हमने करीब 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीब करीब 140 बिलियन डॉलर की परचेजिंग करी हुई है। अब उस 140 बिलियन डॉलर में ये समझ लीजिए, ब्राज़ील से जो हमने परचेज़ किया है वो ओनली 1.46 बिलियन डॉलर, यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर समझ लीजिए। 140 में से 1.5 बिलियन डॉलर की हमने परचेजिंग ब्राज़ील से करी है, यानी कि ब्राज़ील का जो शेयर है इंडियन मार्केट में वो बहुत ही कम है। अच्छा दोस्तों, ये हमें आखिर ज़रूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि ब्राज़ील तो बहुत दूर है। दोस्तों दरअसल बात ये है कि हमको इसलिए परचेजिंग करनी पड़ रही है ब्राज़ील से, क्योंकि ओपेक कंट्री हैं, और ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं ये हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, ये कभी भी अपना प्रोडक्शन को कम कर देते हैं जिससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्रूड ऑयल के। अब दोस्तों इसमें कोई पता नहीं होता कि ये कब ऐसा कर दें, इसलिए हमको अपनी जो परचेजिंग करनी है उसको हम डाइवर्सिफाई कर दें, तो हमें किसी एक पर भरोसे पर ना रहना पड़े। जैसे कि ओपेक कंट्रीज़ हैं, हमको यहाँ से मिलता है ऑयल, और हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक बहुत आसानी से हो जाती है, हमारे पास आ जाता है सामान, हमारे पास कच्चा ऑयल आ जाता है, लेकिन ये कभी भी प्राइस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये अपनी जो सप्लाई है उसको कम कर देते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं इसलिए सप्लाई कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइसेस ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो एक ये नुकसान है। दूसरी चीज़, मिडिल ईस्ट में कभी भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो सकते हैं, तो जब लड़ाई झगड़े स्टार्ट होंगे तो बनी हुई बात है कि उससे सप्लाई प्रभावित होगी और उससे प्राइसेस बढ़ेंगे, तो एक ये भी दिक्कत है।
फिर इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, जब ओपेक कंट्रीज़ ने अपने प्रोडक्शन को कट कर दिया था और उसके प्राइसेस बढ़ गए थे क्रूड ऑयल के, तभी हमको रसिया की तरफ मूव करना पड़ा था। फिर रसिया ने हमको ऑयल की सप्लाई करी और डिस्काउंटेड प्राइस पे करी। हालांकि रसिया से ऑयल आने में बड़ी तकलीफ़ होती थी, काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा हो रहा था, इसलिए हमने रसिया से ऑयल को परचेज़ किया। लेकिन अब धीरे धीरे रसिया ने भी अपने जो डिस्काउंट का लेवल था उसको बहुत ही छोटा कर दिया है, बहुत ही डिस्काउंट को कम कर दिया, इसलिए हमको एक नई मार्केट की तरफ जाना पड़ा, एक नए प्लेयर की तरफ जाना पड़ा। इसलिए हमने देखा कि जब अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है ब्राज़ील के पास, तो हम ब्राज़ील से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो हमने बातचीत को शुरुआत करी ब्राज़ील के साथ और बहुत ही जल्द ये बातचीत कंप्लीट हो जाएगी और हमें डिस्काउंटेड रेट पर कच्चा ऑयल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है, हालांकि ब्राज़ील से भी जो सामान आएगा, जो क्रूड ऑयल आएगा, उसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसकी थोड़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा भी होगी मिडिल ईस्ट के देखते हुए, क्योंकि मिडिल ईस्ट यानी कि ये जो ओपेक कंट्री हैं यहाँ से जो आता है इसका डिस्टेंस कम होता है। लेकिन समस्याएं हैं इनके साथ, ये प्राइस बढ़ाते हैं, प्लस यहाँ पे कभी भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जंग हो सकती है, तो हमारा जो ऑयल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से ही आता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कभी भी लड़ाई झगड़े दंगे हो सकते हैं। जैसे हूती विद्रोही वहाँ से लोगों के शिप को नुकसान पहुँचाते हैं, वो अपना वहाँ पर अटैक कर देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से हमको बचना होगा, हम बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।